ଆଜି ହେଉଛି ଫର୍ଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ନେଉଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରେ ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। सूचना अनुसार नेउलपुर ग्राम रे मुस्लिम भाई माने दीर्घ 40 वर्षरु ऊर्ध्व हेला मोहम्मद को जयंती पालन करि आसुछंती। प्रथम रु से माने एक शोभा यात्रा रे बाहरी मोहम्मद को बाणी पाठ करबा सह ग्राम परिक्रमा करथिले। एहा पर समस्ते नमाज पाठ करथिले। एही धर्मीय कार्यक्रम रे मौलाना निसार ओ सलमान ओ अन्य एक मस्जिद रो मौलाना दबीर उस्मानी जलसा मुख्य शेख आजारुद्दीन और शेख इदरी सभ्य मानक सुहेल राजा सदर शाह आलम खां सरदार शेख साखावत संपादक असलाम हाफिज सह संपादक मुजाहिद इस्लाम कोषाध्यक्ष मोहम्मद दिलदार और उपकोषाध्यक्ष यूसुफ खान और अन्य समस्त मुस्लिम भाई और भौणी माने मस्जिद रे उपस्थित रही प्रार्थना करथिबा बेले समस्त ग्रामवासी तंकु सहयोग करथिले। मो ना हला एसके अजरुद्दीन आज परफेक्ट मोहम्मद को जन्म जयंती नलपुर तारे महा समारोह पालन करा होती केम कोन पालन करे से बिषय पे आम पालन टा कोन एटा आम पालन दादा परदादा पूर्वरटा चली के हमर आसी छी आज 50-60 वर्ष हला तापर आज तांकर मोहम्मद को जन्मदिन हमर जोटा ईदुल मिलाद नबी पालन आम सब मिसिकी आम गोटे गाँ बजार टांगर आम मझी मझी मिसिकी आम गोटे जुलूस बाहर कलु बाहर कलापर तापर आम जा मझार रे दुआ एवं प्रार्थना करी आसलु तापर आंक सान मोहम्मद सान ने आम गोटे जलसा जोटा कन्फ्रेन्स जलसा राति रखाई जो मौलाना सब आसबे बाहर वेस्ट बेंगल आसबे बारिपदर कि आसबे यह राति प्रवचन राति 11टा पर्यंत 10टा भितर गोटे प्रवचन हे मोहम्मद सान मैंने सान हिंदू अच्छे मुसलिम अच्छे कमी कौन ना आम आज को मो जिते मुझ भोज पाई मुझे देखा आसूसी आम समस्ते मिसिकी भाईचारा हिसाब से चलु किसी कम्प्लेन नहीं से आमको आहरी जिते आम जाऊँ बाटर से आमको साहय कर बाट को क्लीयर करके भाईचारा हिसाब से आमको जी आसिक समस्ते गोटे देखकर खुशी हिसाब से भी सी भी वीडियो मैं मोहम्मद सलमान रजा मुजाहिदी नेउलपुर कंटाबनिया का हूँ रहने वाला। प्रफेट मोहम्मद को आज हूँ जन्म जयंती आपण धूमधाम मस्जिद पालन हो संपर्क आप कौन कर ये आमद रसूल का महीना है। हम लोग इनके आमद के दिन को आज बखूबी हम लोग नहीं पूरे दुनिया में आज उनके आमद की खुशियाँ मनाई जाती है। उसकी असल वजह यह है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। अपनी उम्मत की तमाम तर आशाइश के लिए उम्मत की आसानी के लिए खुदा की बारगाह में बख्शवाने के लिए पूरी ज़िंदगी भर हमारे हमें याद करते रहे हमें अल्लाह की बारगाह में हमारी फरियाद करते रहे हमारी बख्शिश के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा कोशिश करते रहे। तो आज उनके गुजर जाने के बाद ज़ाहिरी हयात में तो नहीं है लेकिन उनके गुजर जाने के बाद आज उम्मत हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर खुशियां मनाते हैं। अमन शांति के साथ हम लोग काफिला लेकर चलते हैं। आने जाने वालों को भी हम लोग बाकायदा एहतियात के साथ कहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स नहीं दिया है कि हम उनके जन्मदिन पर किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं, बल्कि हम लोग अमन शांति का पैगाम देते हैं कि भाईचारगी का पैगाम देते हैं कि सारे लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी इस ईद को मनाएं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैं तबीर उस्मानी मुजाहिदी मैं इस सरजमीन में इमामत कर रहा हूँ। मेरा घर जगतपुर की बाज़ार है। कई सालों से इमामत यहाँ हो रही है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब से यहाँ पे इमामत कर रहा हूँ हम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। सब एक साथ लोग यहाँ पर इत्तेफाक इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ निकालते हैं। और हम आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर
जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर जलसे का भी अहतमाम रात में करते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। और यहाँ जब जुलूस निकाला जाता है, जुलूस के ताल्लुक से आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वह अम्मा बिनियामत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नियामत का खूब चर्चा करो। अल्लाह तबारक व तआला नियामत का जिक्र कर रहा है, आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत है, इसलिए कि उनके आने से ये कायनात वजूद में आई। तो इसी वजह से हम ईद मिलादुल नबी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुकद्दस की इस आयत करीमा पे अमल करते हुए। और जब यहाँ जुलूस निकाला जाता है, नियरपुर की सरजमीन है ये, बीच मस्जिद कादरिया मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम कादरिया मस्जिद है, जैसे आप देख रहे हो कादरिया जामा मस्जिद, काफ़ी तादाद में लोग हैं। तो यहाँ जब हम जुलूस निकालते हैं इस मोहल्ला में, तो यहाँ पर हम मुसलमान मौजूद हैं और हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं। अपन की भले पालन करते हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए, अमन शांति और भाईचारे का दर्श देने के लिए कि आपस में मिल्लत रखो, मोहब्बत रखो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटो, किसी को तकलीफ़ ना दो, कोई तकलीफ तुम्हें ना दे। इसी गर्ज से अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया पर भेजा है। हम उसी नबी के जन्मदिन पर आज हम लोग इकट्ठे होकर तमाम महल्ला वाले, छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग और छोटी छोटी बच्ची भी अपने हाथों में झंडा लेकर प्यारे नबी की आमद आमद पर खुशियां मनाते हैं। जसपुर रो मिहिर खुंजियां का रिपोर्ट, संघर्ष टीवी।